तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे ट्वेल्थ इंग्लिश 50 मार्क्स का कुछ इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकदम मतलब 100% वाला इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। सो आप लोग पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और यहाँ पे बात आती है हिंदी 50 मार्क्स की, तो उसका जो वीडियो अपलोड हुआ था उससे आपके बोर्ड एग्जाम में अप्रॉक्स 100% क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे। अगर मिले तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपका हिंदी 50 मार्क्स काफ़ी अच्छा एग्जाम गया होगा, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंग्लिश 50 मार्क्स की, तो एग्जाम काफ़ी करीब है। चलिए तैयारी कैसे करें इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग हमें 10 से 12 मिनट टाइम दीजिए, इतना में आपको इंग्लिश 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पूरा इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और काफ़ी क्वेश्चन आपको इसमें से एग्जाम में देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात करें तो उसका भी वीडियो आपसे आपको जो है कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगी, तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम लोग चलते हैं, आप देख लेते हैं यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट हम लोग कैसे करें। यहाँ पे इंग्लिश 50 मार्क्स की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा होता है कि वो लोग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, मतलब वो सारे क्वेश्चंस को देख ही नहीं पाते, मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट को होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश 50 मार्क्स की बात करें तो हमारे पास टाइम टोटल कितनी मिलती है, 1 घंटा 37 मिनट। 1 घंटा 37 मिनट, इसमें हम लोग का 7.5 मिनट जो होता है वो किस लिए होता है, तो वो होता है हम लोग का क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो हमारे पास, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट मेरे पास बचा। अब इतना में हम लोग को इंग्लिश 50 मार्क्स पूरा देखना है। माना कि ये बकवास तो आपको अभी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग एग्जाम में जाओगे तब आपको ज़रूर पता चलेगा इसके बारे में। चलिए, 1 घंटा 30 मिनट मेरे पास बचा है, इतना में इंग्लिश 50 मार्क्स पूरा हम लोग को सॉल्व करना है। अब जो आती है 25 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 25 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसमें हम लोग को क्या देना है, 25 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम लोग 30 मिनट केवल और केवल 30 मिनट लेना है। और जो क्वेश्चन, माना कि अगर 30 मिनट में आपको सारे क्वेश्चंस नहीं बने तो उसको हम लोग को छोड़ देना है, और छोड़ के हम लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ना है, क्योंकि सब्जेक्टिव भी जरूरी है और ऑब्जेक्टिव भी। चलिए, 30 मिनट में हम लोग 25 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लिए और 25 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 मिनट में बना लिए। अब बचा हमारे पास कितना समय, 1 घंटा 20 मिनट हो गया, बचा हमारे पास 10 मिनट टाइम। अब इस 10 मिनट में हम लोग को देखना है कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बना था आपको 30 मिनट में, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग को इस 10 मिनट में बनाना है और देखना है उसके बाद OMR शीट जो भरे हैं उसमें हमारा जो है कितना, मतलब सब कुछ सही भरा है कि नहीं भरे हैं। अभी भी हालांकि कुछ चीज़ भरना होता है OMR शीट पर, वो आपको मैच कर लेना है। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। उससे पहले ये सारे क्वेश्चंस को देखें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये अंदाज आपको पसंद आती होगी पढ़ाने की, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे चलते हैं क्या चीज़, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने के लिए। सबसे पहले बात आती है क्या चीज़, 25 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में हम लोग का जो आता है केवल और केवल 10 मार्क्स आती है क्या चीज़, बुक से, और फिर 15 मार्क्स ग्रामर की। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर देख लेते हैं क्योंकि 15 मार्क्स के लिए आती है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, बहुत सारा बकवास कर लिए। पहला क्वेश्चन आ जाती है, देयर इज़ ए ब्रिज डैश द रेलवे लाइन। तो यहाँ पे क्या है, मतलब ब्रिज जो है रेलवे लाइन का केस क्या है, तो यहाँ पे ओवर है, ऊपर में है, ऊपर के लिए ओवर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगी, 1 का D। चलिए आप लोग साथ में समझते हुए चलिए या फिर याद करते हुए चलिए, जैसे चलना है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन में मनोज विल रिटर्न ए विक। तो यहाँ पे डैश है, तो यहाँ पे आपको भरना है विथ होगा, विद इन होगा, इन होगा, इनटू होगा, क्या चीज़ होगा। मनोज विल रिटर्न विद इन ए वीक, मतलब एक वीक के अंदर में आ जाएगा, मतलब एक सप्ताह के अंदर में मनोज आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को विद इन का यूज़ करना होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये क्या है, द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल। तो यहाँ पे कैलकुलेटर कहाँ है, ऑन होगा, क्योंकि टेबल के ऊपर में कैलकुलेटर रहता है ना, सेंस वगैरह, एट वगैरह, इनटू तो होगा नहीं। अब देखिए, हम लोग ग्रामर को पूरे अच्छे से नहीं पढ़ सकते अभी इतना कम समय में, तो आप लोग को समझना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग को थोड़ी बहुत सेंस लगाना पड़ेगा क्योंकि आप लोग पूरे साल भी पढ़े होंगे। यहाँ पे ऑन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगी। पूरे ग्रामर को अगर हम लोग पढ़े तो बहुत टाइम लग जाएगी। चलिए, तो हम लोग अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाती है, द पोर्टर वाज कैरिंग द लगेज। द पोर्टर वाज कैरिंग द लगेज, तो यहाँ पे आपको एक्टिव से पैसिव में आपको चेंज करना है। तो इसके लिए जो हम लोग को क्या करनी होगी, हम लोग को सबसे पहले समझनी होगी, देखना यहाँ पे क्या लिखा है, द पोर्टर वाज कैरिंग द लगेज, मतलब वीप हो रहे हैं हमारे, यहाँ पे ING लगा है, तो ING जब भी लगा हो तो एक्टिव से पैसिव चेंज करने में सबसे पहले हम लोग को देखना है आंसर में बीइंग जरूर होना होगा। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में, यहाँ पे बीइंग कहीं पे है, इसमें तो नहीं है, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है,
और हमारा डी में बीइंग है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से आप लोग एक्टिव से पैसिव भी आपके बोर्ड एग्जाम में, अपने बोर्ड एग्जाम में देख सकते हैं। यहाँ पे चार का राइट आंसर डी हो गई। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी, टाइम बहुत कम है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? चूज द सुटेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेज डंकीज ईयर। मतलब यहाँ पे आपको सुटेबल मीनिंग चूज करना है। तो यहाँ पे ए लॉन्ग टाइम मतलब बहुत लंबा समय जो हो जाता है डंकीज ईयर के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर 5 का ए हो जाएगी। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। होल्ड योर टंग, अपना जुबान बंद रखो, अपना जीभ बंद रखो, मुंह बंद रखो, ऐसे में इसको यूज़ किया जाता है। होल्ड योर टंग मतलब चूज सुटेबल फ्रेज, आपको यहाँ पे चूज करना है सुटेबल। तो यहाँ पे बी साइलेंट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या चीज़? 6 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 6 का ए, बी साइलेंट, चुप रहो। यहाँ पे अगला क्या आ जाती है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पे? चूज द सुटेबल कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। अब यहाँ पे दो सेंटेंस को आपको जोड़ने के लिए भी बोला जाता है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ जाती है बोर्ड एग्जाम में। चलिए 7 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या आ जाती है? 7 का राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाती है। सी इज एज प्रिटी एज हर सिस्टर। यहाँ पे हर नहीं है और यहाँ पे हर है तो एज नहीं है, यहाँ पे एज नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये सब जो है गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाती है, 7 का ए राइट हो जाएगी। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं हमारे यहाँ पे। आप लोग आराम से वीडियो को रोक के आराम से पढ़ते हुए भी चल सकते हैं। यहाँ पे क्या है? पटना इज ए बिग सिटी, इट इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना इज ए बिग सिटी, इट इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। तो यहाँ पे आपको सुटेबल कम्बिनेशन आपको ढूंढना है। देखिए 2 कम्बिनेशन तो अभी तक आपको आ चुके हैं, तो निश्चित रूप से आप कम्बिनेशन को भी एक बार जरूर देख के जाइएगा। यहाँ पे 8 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज़? यहाँ पे दोनों कम्बिनेशन, यहाँ पे दोनों सेंटेंस को जोड़ना है आपको। तो 8 का राइट आंसर हमारे पास आ जाती है ए, पटना इज ए बिग सिटी एंड द कैपिटल ऑफ बिहार। यहाँ पे एंड लगा के कम्बिनेशन जोड़ा गया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाती है। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाती है। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे आपको जो है सही स्पेलिंग किस में है ये आपको चूज करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे यूरोपियन का पूछ रहा है, तो यूरोपियन में हम लोग क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं? यूरोपियन, यूरोपियन हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूरोपियन है तो ये गलत हो गई, यहाँ पे यूरोपियन है तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पे क्या है एरोपिन है तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यूरोपियन हो जाती है, ये सही हो गया। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगी, 9 का डी। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है? निश्चित रूप से ये सारे क्वेश्चंस आप लोग तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे आपको सही सेंटेंस आपको चूज करनी है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज़? 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। ही रिक्वेस्टेड मी टू गो देयर, ही रिक्वेस्टेड मी टू गो देयर, यहाँ पे सही सेंटेंस एक यही था, ठीक है। फिर अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे इससे चूज द करेक्ट सेंटेंस से भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे। सो आप लोग मैक्स्योर आप लोग ये सारे भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज़? 11 का राइट सी हो जाएगी। डॉक्टर सिन्हा इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। देखिए यहाँ पे ये राइट क्यों हुई, हम लोग यूनिवर्सिटी में हम लोग को आर्टिकल यहाँ पे चूज देखना है कि आर्टिकल सही है या फिर गलत है। यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले क्या आ जाती है आर्टिकल में? यूनिवर्सिटी में हम लोग प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो इसमें जो है हम लोग को वाई में क्या लगता है? ए लगता है, तो इसलिए इसमें ए है, ए आर्टिकल है, इसलिए ये राइट हो जाएगी। यहाँ पे आर तो नहीं होगी, इज एन यहाँ पे है ये भी नहीं होगी, यहाँ पे सम होगी ये भी नहीं होगी, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाती है? ए मतलब सी हो जाती है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी है, 11 का सी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? बी हैड डैश फन एट द वाटर पार्क, लॉट्स ऑफ फन, मतलब हम लोग ने बहुत मजा किए, कहाँ? वाटर पार्क में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। टाइगर वॉन्ट अटैक, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, दे आर हंग्री, मतलब टाइगर तब तक मतलब यहाँ पे कब तक मैं हमला नहीं करती है? अनलेस, जब तक वो भूखा नहीं हो, यहाँ पे अनलेस राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगी 13 का। फिर हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ क्या आ जाती है। ही इज पोस्टमैन, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल चूज करना है ए एंड द। देखिए आर्टिकल आप लोग जरूर देख लेना एक बार, अपने बोर्ड एग्जाम जाने से पहले एक बार जरूर देख लेना यार। तो ये जो है 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पोस्टमैन, हम लोग को प्रोनाउंसिएशन कर के देखना है। पी में हम लोग पोस्टमैन, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाती है, पोस्टमैन में हम लोग क्या लगाते हैं? ए, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो गई। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है? हॉनेस्टी इज, यहाँ पे द हो जाएगी, द बेस्ट पॉलिसी, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगी।
चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या आ जाती है, द राइटर ऑफ द गुड मैनर्स इज, तो यहाँ पे गुड मैनर्स के राइटर कौन है, तो यहाँ पे 16 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन, यहाँ पे क्या चीज, 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, जेसी हिल। जेसी हिल। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डैश रोड द पीस विद द फोटोग्राफर, यहाँ पे विद द फोटोग्राफर किसने लिखा है, तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टीफन लियोकॉक या फिर एस लियोकॉक, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगी। चलिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, वाल्टर डीला मेयर वॉज वॉकिंग इन ए, कहाँ, मतलब वाल्टर डीला मेयर कहाँ टहल रहे थे, तो आंसर हो जाएगा सी, फॉरेस्ट में टहल रहे थे, जंगलों में टहल रहे थे। अगला क्या आ जाती है हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, द वेव्स बिहाइंड देम डांस्ड इज ए लाइन फ्रॉम, ये जो लाइन है कहाँ से है, द वेव बिहाइंड देम डांसेस डांस्ड, तो यहाँ पे ये जो लाइन है द डेफोडिल्स से है। द डेफोडिल्स एक महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग के लिए, समरी के लिए भी वो जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा जैसे आपको करना, लेकिन द डेफोडिल्स आपको तैयार कर लेना है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाती है, द पोएम द सोल्जर इज रिटन बाय, द सोल्जर किनके द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा द सोल्जर लिखा हुआ, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगी, 20 का बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, हु इज़ द विलेन ऑफ नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड, मतलब डेविड कॉपरफील्ड में विलन कौन थे, मतलब उसमें जो विलन का रोल जो निभा रहे थे वो कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का डी हो जाएगा, उरिया हिप विलन था उसमें, खलनायक का रोल निभा रहा था उसमें, डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नॉवेल से आपको अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, बेटसी ट्रोटवर्ड इज द अंट ऑफ, वो जो है बेटसी ट्रोटवर्ड किसके अंटी थी, मतलब चाची थी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डेविड के, डेविड कॉपरफील्ड के, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो गई। चलिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है हमारा यहाँ पे, फॉरगेटन इज रिटन बाय, फॉरगेटन किसके द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पे 23 का जो राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज़, ऑप्शन सी, रॉबर्ट लाइन, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगी। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, रॉबर्ट ब्रूक वांट टू डाई इन ए, मतलब रॉबर्ट ब्रूक कहाँ मरना चाहते हैं, तो वो जो है बैटल फील्ड में मरना चाहते थे, यहाँ पे क्या है, बैटल फील्ड मतलब वो युद्ध भूमि में, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, एट द प्रेजेंट टाइम मैन फुल्ली डिपेंड ऑन, मतलब मनुष्य जो है, मानव जो है किस पे डिपेंड है अभी फुल्ली रूप से, तो वो जो है मशीन पे डिपेंड है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगी। अब देखिए अगर आप लोग को सब्जेक्टिव का वीडियो अगर चाहिए तो आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और सपोर्ट करिए हमें, ताकि जो है ऐसे वीडियोज़ आपके लिए अभी बोर्ड एग्जाम से पहले और भी वीडियोज़ लाए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।